आज हम आपको बताने वाले हैं शुक्रवारी उपाय। ये शुक्रवारी उपाय आपको धन देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे और ज़िंदगी में खुशियों का ऐसा सैलाब आएगा कि आप चमत्कृत रह जाएंगे। गणेश जी की पूजा आप खुशियों को पाने के लिए कर रहे हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये उपाय आप करें और आपको फ़ायदा ना हो। इस उपाय को जितनी विश्वास के साथ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेगा। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं शुक्रवारी उपाय। शुक्रवार के जो उपाय होते हैं वो पैसों के लिए ही किए जाते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन अभी गणेशोत्सव मन रहा है और गणेशोत्सव के दौरान जो शुक्रवार आता है वो विशेष महत्व का होता है। भगवान गणेश की पूजा तो आप करते ही हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा भी करके आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का जो संबंध है माता और पुत्रवत है। माता लक्ष्मी गणेश जी को अपना पुत्र मानती हैं और ये कह चुकी हैं जिस घर में बगैर गणेश के मेरी पूजा होगी मैं उसको स्वीकार ही नहीं करूँगी। कितनी बड़ी बात माता रानी ने बोली है। तो उनको शिरोधार्य करके और भगवान गणेश का पूजन करें, प्रथम पूज्य भगवान को नमन करें और रिद्धि सिद्धि माता का भी पूजन करें। रिद्धि सिद्धि आपकी बरकत है, आपके घर में पैसा लेने वाली लाने वाली माताएं हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और चूहे जी के यानी मूषक राज की आपको पूजा करनी चाहिए। मूषक राज जी के आप कान में कोई बात बोल देते हैं वो पूर्ण होती हैं। आपको जितना पैसा मांगना है मूषक राज के कान में बोल दीजिए, भगवान गणेश उसको अवश्य ही पूरा करते हैं। ऐसा प्रताप है गणेश जी के वाहन मूषक का। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और आपको बताना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, बिल्ली की जेर अगर आपके घर में नहीं है तो आज के दिन आप बिल्ली की जेर परचेस करके लाइए। बिल्ली की जेर मार्केट में मिलती है लेकिन नकली हो है या असली ये आप ही को तय करना पड़ेगा। हम तो आपको जानकारी दे सकते हैं। बिल्ली की जेर अगर आप बिल्ली प्रसव करती है और उसके ज़रिए आप प्राप्त करते हैं और उसको धूप में सुखाकर हल्दी से उसकी पूजा करके पूजा स्थान में रखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। हमारा स्वयं का अनुभूत ये टोटका है और हमको बहुत सारा धन लाभ हुआ इस प्रयोग को करने से, इसीलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप बिल्ली की जेर की अवश्य ही पूजा करिए और बिल्ली की पूजा भी आप इस दिन करते हैं शुक्रवार को तो ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आपको अगर बिल्ली नहीं मिले तो बिल्ली का पोस्टर लगाकर उसकी पूजन करें, इससे ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलता है। बिल्ली का कोई खिलौना आपके पास है उसकी पूजा कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो दूसरे जो चीज़ है दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख भी आपको आज के दिन अवश्य खरीद के लाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में होता है ये माँ लक्ष्मी के भाई के समान है। तो माता लक्ष्मी का अटूट रिश्ता जिन चीज़ों के साथ है उनको आप सम्मान देने लगते हैं, उनको अपने घर में लाके विराजमान करने लगते हैं तो कोई कारण नहीं आपके पास पैसा नहीं आए। तो दक्षिणावर्ती शंख भी गणेशोत्सव के दौरान कभी भी ले आइए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप 6 गोलियां, ये पारत की गोलियां है, पारे की गोलियां हैं और पारत की गोलियां स्वयं सिद्ध होती हैं, इनको चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। पारत की 6 गोलियां अपने पूजा स्थान में रखिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपके ज़िंदगी में पैसा ही पैसा बिना बहाने के आता रहेगा और आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आप थोड़ा उद्यम करें और श्री सूक्त का पाठ आज के दिन अवश्य करिए। श्री सूक्त का पाठ करते हुए श्री यंत्र की पूजा करते हैं। श्री यंत्र अगर आपके घर में नहीं है तो आज के दिन आपको श्री यंत्र भी लाके रखना चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है उस घर की बरकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके घर में कनक धारा यंत्र नहीं है तो आज के दिन आप उसको भी लाके रख सकते हैं। कनक धारा यंत्र भी पूजा में रखने से आपको फ़ायदा होता है और हमने खुद रखा था इसलिए आपको बता रहे हैं कि कनक धारा यंत्र भी हमने पूजन, आपने हमारी वैभव लक्ष्मी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूजा स्थान में हमने कैसी कैसी चीज़ें रख रखी हैं। आप भी उनमें से कोई भी चीज़ ला सकते हैं और आपको फ़ायदा मिल सकता है। लक्ष्मी यंत्र भी अवश्य ही पूजा स्थान में रखना चाहिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। माँ सरस्वती का पूजन भी विधिवत करें तो आपको फ़ायदा रहेगा।
माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गणेश का पूजन दिवाली पे जिस तरह से किया जाता है, उस तरह का ही पूजन आप इन गणेशोत्सव के दौरान करेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि विद्या भी ज़रूरी होती है, धन भी ज़रूरी होता है और बुद्धि भी ज़रूरी होती है। ये तीनों ही पर्पस सॉल्व होते हैं अगर आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का पूजन करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नाम है डॉक्टर उमाश्री और हमारे चैनल का नाम भी है डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।